और आप सीखेंगे कुछ नई बातें खेल खेल में, थोड़ी मस्ती, थोड़ी अनबन। Say sorry to Raya, otherwise I'm going. My daughter never had a birthday party till she turned 5. खास बच्चों के साथ खेलकूद और मुलाकात एक नई माँ से। आप अपने बच्चों को बचपन से ही नमस्ते, हाय, थैंक यू, बाय बोलना सिखाते हैं, है ना? ये बच्चों को सिखाए जाने वाले पहले शब्द में से कुछ है और इनका एक ही पर्पस होता है कि बच्चे दूसरे से बात करने का सही तरीका सीखे, घर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट कर सके। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं उनकी सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए अलग अलग एफर्ट्स करूं। बच्चों का बिहेवियर पैटर्न उम्र के साथ बदलता रहता है। जेन जब छोटा था तो बहुत फ्रेंडली था, पर जब बड़ा होने लगा तो थोड़ा रिजर्व्ड हो गया। मुझे इस बात को लेकर थोड़ी चिंता हुई, पर मुझे थोड़ा पेशेंस रखने का एडवाइस मिला। ऐसे में भी मैंने हमेशा प्लेडेट्स ऑर्गेनाइज किया ताकि जेन के आसपास का एनवायरनमेंट बच्चों से भरा हुआ हो। मैंने जेन को हमेशा एक फ्रेंडली माहौल दिया, पर कभी पुश नहीं किया, उसे अपने तरीके से बड़ा होने दिया। और अब जेन धीरे धीरे खुलने लगा है, फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए वो भी एक्साइटेड रहता है। जेन के फ्रेंड्स के आते ही जेन ने उन्हें वेलकम किया। आजकल पेरेंट्स को एक चिंता रहती है कि हमारा बच्चा शेयरिंग नहीं सीख रहा है। बच्चे को शेयरिंग सिखाना है तो शुरुआत उनके अपने खिलौने से करना चाहिए। खिलौने को लेकर बच्चे काफी पोजेसिव होते हैं। अगर खिलौना शेयर करना उन्होंने सीख लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। बच्चों को इस एज में कहानियाँ बनाना बहुत पसंद है। Who's the piglet? Who's the wolf? I see the pink pig. This is the puppy pig. Okay. So I'm going to be the big, big boss. No, not by the hair of a chinny chin chin. Then I hop and I pop and I break. कहानियों को इनैक्ट करने में अगर आप उन्हें इनकरेज करेंगे तो उन्हें बहुत मजा आता है। इससे उनकी इमेजिनेशन भी उड़ान भरती है। काय भी बड़े बच्चों के साथ खेलना सीख रहा है और बड़े बच्चे उसे इंक्लूड करना। हमारे तरह बच्चों को भी सोशलाइज करने में बहुत मजा आता है। कभी कभी एक दूसरे से छोटी मोटी अनबन भी हो जाती है। पर बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है। Give Raya a kiss and say sorry. No. Say sorry to Raya, otherwise I'm going. I'm taking Raya away. Come and say sorry. Give her a kiss and say sorry. And say sorry. Say sorry. Sorry. पर हाँ, parents को as a moderator साथ रहना चाहिए ताकि बिगड़ते हुए equations को वो ठीक कर सके। Everybody, no fighting, no fighting. कभी-कभी तो गुस्सा करना पड़ता है। हर बच्चे का अपना मूड और टैंट्रम्स होता है। पेरेंट्स को ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने तरीके से खेलने देना चाहिए। हर स्टेप पर वो कुछ सीखते ही है। एक दूसरे से डील करना, पैचअप करना, साथ रहना। काय अब कभी भी चलने लगेगा। मैं इनकरेज करती हूँ पर कभी प्रेशराइज नहीं करती। कुछ चीजें समय के साथ ही होती है। Hey, hi, और फिर हम निकले थोड़ा आउटडोर फन के लिए। बच्चों ने जी भर के खेला। सच में खुले आसमान के नीचे खेलने का मजा ही कुछ और है। फन टाइम के बाद अब लंच टाइम। बच्चों को खुद अपने हाथों से खाने के लिए इनकरेज करना चाहिए। ये मैसी जरूर होता है,
पर बच्चे खुद से खाना सीखते हैं, खासकर जब वो अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे खा रहे हो। प्लेडेट्स में मजा होता है पर थकान भी हो जाती है। People ask me how I'm still in shape and trust me, you saw what it was like. It is hectic. So हमारे समय में माहौल अलग था। हमारा काफी टाइम अपने पड़ोसियों और मोहल्ले में बीतता था, पर आजकल बिजी लाइफ, सिक्योरिटी और स्पेस की कमी होने की वजह से घर से बाहर आना जाना कम होते जा रहा है और पेरेंट्स भी ऑफिस और घर के कामों में बिजी रहते हैं। ऐसे में हमें प्लेडेट्स प्लान करने चाहिए जहां बच्चे साथ मिलकर खेल सके। आगे देखेंगे बच्चों का पार्टी टाइम। खेल कूद और मस्ती खास बच्चों के साथ। मिलेंगे एक नई माँ से और कुछ बातें एक एक्सपर्ट के साथ। टेलीविजन इज इम्पोर्टेंट पर शुरुआत से स्ट्रक्चर टाइम एंड रूटीन टाइम शेड्यूल। हमने हमेशा बर्थडे अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ बनाई, कभी भी पार्टीज नहीं रखी, पर इस बार मौका अलग रहा। जेन जैसे बड़ा हो रहा है उसे अपने दोस्तों के इनविटेशंस आते हैं। देखा जाए तो आजकल वो मुझसे ज्यादा बिजी है पार्टीज अटेंड करने में, इसलिए उसकी जिद रही कि इस बार बर्थडे पार्टी तो होनी ही चाहिए। आपके लिए भी बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता होगा। हर पेरेंट को अपने और अपने बच्चों के हिसाब से बर्थडे मनाना चाहिए। My daughter never had a birthday party till she turned 5 because she had no clue. Anyway, they have no clue what is happening. They just have people coming. So mostly what I do is I call their best friends home, a few of them, and you know, I just do fun stuff with them. And my son, of course, has now started planning his own birthday parties. Last year, he gave me a shock. He invited 35 people. 35 children from his class were invited for this birthday party that then I was forced to have because they were invited. Zen और Kai के birthdays में करीब 2 हफ्तों का अंतर है, इसलिए हमने दोनों बर्थडे साथ सेलिब्रेट करना डिसाइड किया। जेन का स्पाइडरमैन वाला टैटू, वो हर बर्थडे में स्पाइडरमैन का ही टैटू बनाता है। बर्थडे में हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज और बहुत सारे बच्चे आए। पार्टी कैसी भी हो, छोटी या बड़ी, अगर बच्चों के लिए गेम्स और एंटरटेनमेंट है तो पार्टी हिट है। आप पार्टी में अलग अलग थीम्स जैसे फेरी टेल्स और प्रिंसेस या फिर काइजेन का फेवरेट सुपर हीरोज और पायरेट जैसे थीम्स रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ड्रेसअप होना पसंद आता है। पपेट शोज एक ऐसी चीज है जो बच्चों को घंटों एंटरटेन रख सकती है। यही सही टाइम होता है उन्हें खिलाने का। आप नॉन स्पाइसी और आसानी से खाने वाले स्नैक्स जैसे केक, चिप्स, तरह तरह के सैंडविचेस, इडलीज, पास्ताज और जूसेस पार्टी मेन्यू में रख सकते हैं। बच्चों के हंसते और खुश चेहरे। उस समय मैंने अपने डैडी को बहुत मिस किया। वो हमेशा हमारे स्पेशल मौकों पर साथ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ होगी। सब मिलाकर कह सकते हैं द पार्टी वॉज अ सक्सेस। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। पेरेंट्स होने के नाते हम अपने बच्चों के लिए हर कुछ करना चाहते हैं, पर जब वो बड़े होने लगे तो हमें ये बताना जरूरी है कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास हर कुछ नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके साथ मिलकर उन्हें खुशियाँ बांटनी चाहिए।
इसलिए जब फंकी मंकीज में मैंने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के पेशेंट्स के लिए प्ले टाइम ऑर्गेनाइज किया तो जैन और काय को भी साथ लेकर गई। ये बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छी जगह है। मुझे लगा कि इतना बड़ा शहर बॉम्बे में कुछ नहीं है छोटे बच्चे के लिए, सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट दिस इंडोर प्ले सेंटर फॉर किड्स वेयर ऑल आवर इक्विपमेंट इज सॉफ्ट प्ले एंड किड्स कैन कम एंड जस्ट एंजॉय फ्री प्ले अपॉर्चुनिटीज एंड एट द सेम टाइम दे गेट एक्सरसाइज इन डिसगाइज। जैन को कई नए नए दोस्त मिले और बच्चे यहाँ अलग ही दुनिया में चले गए। उन्होंने एक साथ होकर बहुत मस्ती की। जैसे आपने देखा होगा अभी ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कितने खुश हैं। इनके पेरेंट्स से आप पूछिए, नहीं तो उनका दिन क्या है, हॉस्पिटल जाना है, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या है, अभी वो भूल गए हैं, बच्चे भूल गए, और ये सब जो है बहुत सहायता करता है इनके ठीक होने में। सभी बच्चों के साथ एक बार फिर से मैंने भी बचपन का मजा लिया। बेफिक्र होकर सच में बहुत मजा आया। छोटे बच्चे को अगर कैंसर डायग्नोज होता है तो रिकवरी के 80-90% चांसेस होते हैं। CPAA का इस प्रोसेस में बड़ा योगदान है। CPAA जो है बहुत तरीकों से हेल्प करता है पेशेंट्स को, एड, मेडिकल एड, रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, गिविंग देम फूड एटसेट्रा, हेल्पिंग देम इन एवरी वे, बट ऑल्सो वी लुक एट द इमोशनल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। मेन चीज ये है कि लोगों को आप में इतबार होना चाहिए कि जो उनका एक रुपया भी जो है वो गलत इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब हम लोग जाते नहीं है कहीं मांगने, लोग आके दे के जाते हैं, आके देते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो बने दूसरों के लिए करना चाहिए। ये सीख मैंने अपने दोनों बच्चों को देने की कोशिश की है और आज जैन को अपने हाथों से बच्चे को गिफ्ट देते हुए उसके एक्साइटमेंट को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। काय ने बीच में थोड़ा नैप भी ले लिया। बच्चे भी कमाल के होते हैं, इस हल्ले गुल्ले में भी सो सकते हैं। सो आफ्टर द होल पार्टी दिस इज व्हाट यू कांट प्लान विद किड्स, मिस्टर काय हैज नाउ वोकन अप। जब सबके जाने का समय हुआ तब काय अपनी पूरी एनर्जी में था खेलने के लिए। सच में बच्चों के साथ कुछ भी पहले से प्लान नहीं किया जा सकता। मेघा पिले ने केरला से पूछा है कि बच्चों को कितना टीवी देखने देना चाहिए और कितना नहीं। मेघा, ये सवाल आजकल हर पेरेंट्स के मन में होता है। हम पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ज़िराक मार्कर से। क्वालिटी टाइम स्पेंट ऑन इट इज इम्पॉर्टेंट, सो व्हाट यू वॉच ऑन टीवी, व्हाट प्रोग्राम्स यू वॉच, बिकॉज आई फील ऑडियो विजुअल एड्स, टेलीविजन, कंप्यूटर, यू नो योर गूगल सर्चेस, इट कैन टीच योर किड्स सो मच दैट दे कांट प्रॉब्ली लर्न इन अ क्लासरूम सेटिंग और थ्रू रोट लर्निंग एंड टीचिंग। So I feel to some extent television is important, but shuruaat se structured time and a routine time schedule. So say homework time from this time to this time, TV time from this time to this time. आगे देखेंगे एक मुलाकात एक नई माँ के साथ। माँ बनने का एहसास बहुत ही खूबसूरत होता है। It's one of the nicest feelings. और एक्सपर्ट के साथ कुछ बातें। For the first 6 months, we would like the child to be exclusively breastfed. यानी breastfeeding and breastfeeding alone, not even a drop of water. बच्चों से रिलेटेड ढेर सारे सवाल हैं जो पेरेंट्स के मन में आते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सवाल डॉक्टर राजीत से पूछे। आपको क्या लगता है कि आजकल के जमाने में न्यू पेरेंट्स और भी इन्फॉर्म्ड है या देर लेस इन्फॉर्म्ड, डू यू फील देर मोर अवेयर और व्हाट इज योर टेक? I think parents are very well informed. There is an internet always to help them. लेकिन कई बार क्या हो जाता है, part information is not a, is a dangerous thing, you know. Yes. So when they have access to so much of information, लेकिन वो कहाँ apply करना है वो उसमें कभी दिया नहीं रहता, तो they always get the worst case scenarios on the net. Yeah. और इसलिए डर भी जाते हैं ज़्यादा आसानी से। Just one thing, from birth to say 3 years, what is your kind of
ideal nutrition food plan? For the first 6 months, we would like the child to be exclusively breastfed. Yani breastfeeding and breastfeeding alone, not even a drop of water. Then all, including the World Health Organization to every pediatric association in the world, is now recommending 6 months of exclusive breastfeeding. Subsequently, we start non-milk supplemental feeds, which are introduced so as to replace around 2 or 3 feeds per day. And while continuing breastfeeding till at least the first birthday, and then the 3 feeds are essentially gradually merged into home-based foods, so that by say 15 to 18 months, the child is totally on a home diet with no separate cooking for him. And we start with cereals, mashed fruits, juices, khichdi, soups, khichdi. So cereal, khichdi is a form of cereal. Yeah. And as far as possible, I like the feeds to be milk-free. So whatever milk the baby gets has to be mother's milk, and the other supplemental feeds have to be non-milk supplemental feeds. जब आप एक नई माँ होती है, तो एडवाइस की बरसात होती है। मेरी एडवाइस है कि हर किसी का अपना तरीका है और हर किसी का तरीका यूनिक होता है। माँ बनना एक प्रोसेस है और हर कदम पर नए एहसास होते हैं और नई सीख होती है। मैं भी अपनी फ्रेंड डॉक्टर क्याती के घर गई, जो एक नई माँ बनी है। ऐसे मौके पर खुशी शेयर करने और उसे हाई स्पिरिट्स में रखने के लिए मेरा जानना तो बनता ही है। So, how are you feeling being a mom? माँ बनने का एहसास बहुत ही खूबसूरत होता है. As you know, Tara, you have 2 children. I had a cesarean section, तो मेरी पीठ दुखती थी, मेरे stitches दुख रहे थे, और उसके और बनाया सो नहीं रही थी, पूरी दिन सोती थी और पूरी रात जागती थी. And that went on for at least 45 days. So, मैं काफी upset थी और exhausted थी. Luckily, मेरी माँ की मदद से I could pass through that phase. After 40 days, things were beautiful. And today, at 2 months, I can tell you it's one of the most beautiful amazing feelings in the world. Yes, and actually, Dr. Kathy is a very, very big doctor. So, आपका क्या plans है अभी आप काम पे कभी वापस जाएगी और कैसे balance करेंगे? मैं काम पे जैसे maternity leave 3 महीने की होती है, मेरी 3 महीने में खत्म हो जाएगी और फिर अप्रैल से मैं काम शुरू कर लूँगी. Of course, मैं पहले की तरह बहुत aggressive काम नहीं करना चाहूँगी. जैसे पहले मैं बहुत सारी विजिट्स करती थी, वो सब अभी कम कर दूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं मेरी बच्ची को प्रायोरिटाइज करना चाहती हूँ. लकीली आई हैव एक्सेलेंट सपोर्ट सिस्टम. मेरी मदर इन लॉ है, माय मदर इज़ देयर, माय फादर माय हस्बैंड इज़ ग्रेट. सो जब सोशल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होती है तो बहुत तकलीफ नहीं होती. नो दैट्स वंडरफुल. और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि टुडेज न्यू एज मॉम इज ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग, एंड आई थिंक इट्स हेल्दी फॉर यू एंड इट्स हेल्दी फॉर द चाइल्ड. यस, बिकॉज जैसे वो बड़ी होगी और एक्सपोज होगी दुनिया से, तो शी शुड रियलाइज दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मदर. यस. और अभी बेसिक प्रैक्टिकल डे टू डे टिप्स के बारे में आप हमें बताइए कि आपका जो फीडिंग हो रहा है, आप ब्रेस्ट फीड कर रही है या giving bottle or what? No, it's part and part. Okay. One reason is that I give some express milk in the bottle is because I will go to work. Yes. So and then to get the baby used to it was extremely important also. Yeah. I also think, Tara, that it's the best to give the child what the child needs. Yeah. Wo habit formation aur wo aisa kuch nahi hota. Jab childhood mein chhoot jana hai, to chhoot jayega. I think, like I said, I think you just do what works for you. Say for me, for example, because I was at home, I was mainly just breastfeeding. Yes. But my situation was doing the show from home. Yeah. So it's, I always say it's what works best for you. Yes. And your baby. And also you have to see this, your circumstances. Yes. Which are very, very important. Yeah, absolutely. Yeah. So Kathy, thank you so much for chatting to us, and here's a little gift thank for you and Banaya. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अपने बेबी स्टफ का क्या करें, किसी को दे दे या खुद रखे, क्योंकि उससे वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपने नजदीकी और दिल के करीब लोगों को अपने बच्चों के सामान देने चाहिए, क्योंकि इससे बॉन्डिंग और प्यार तो बढ़ता ही है, साथ में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट से बच्चे बहुत जल्दी आउटग्रो कर जाते हैं। तो आज जेन और काय बनाया के लिए एक तोहफा लेके आए हैं। Yes. ये बाथ टब विद अ बाथ स्टैंड एंड दिस बेबीज बाथ सीट, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल रहा और मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। जैसे जेन के इस बाथ टब को काय ने यूज किया,
और अब हमने अपने दोस्त की बेबी को ये गिफ्ट किया। वैसे ही आप भी प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर सकते हैं। ये एक स्पेशल जेस्चर भी है और नई मम के लिए लाइफ जरा इजी भी हो जाती है इस छोटे से हेल्प से। हमारे बच्चे एक स्पंज की तरह होते हैं, अपने पास के एनवायरनमेंट और हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। हम रोज की जिंदगी में अपने हेल्प से कैसे बात करते हैं, अपने घर के एल्डर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, नए लोगों से कैसे पेश आते हैं। बच्चे चुपचाप हमसे ये सब अडॉप्ट करते हैं। उनकी सोशल स्किल्स भी ऐसे ही फॉर्म होती है, इसलिए उन्हें सिखाने के लिए हमें भी सीखते रहना होगा, तभी हमारे बच्चे बड़े होकर सेंसिटिव एडल्ट्स बनेंगे। अगले एपिसोड में जेन और काय के साथ देखेंगे लंदन के रंगीन नजारे। It's very sunny day and then I'm holding a bear. मिलेंगे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। Happy birthday to you. Cammy is my best friend from university days. और करेंगे ढेर सारी मौज मस्ती।